तो फैमिली आपके लिए कितनी जरूरी है भाई? ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कहीं था कि फेमस होना है कि लोग जाने, ऐसे थोड़ा सा ऐसे वट होना चाहिए, मतलब ये नहीं नॉर्मल वाला। कमर जितनी पतली हो मजा उतना नशीला है, तो क्या लगता है आपको, सही बात है? नहीं है नहीं, किस्मत में पतली कमर आई नहीं कभी। जानता है मेरा बाप कौन है? मैंने पूछा गर्लफ्रेंड आपने कहा कौन से वाली, तो आपका इंटरेक्शन नहीं रहा। लड़कियों से इतना इंटरेक्शन रहा नहीं भाई, तुम्हारी तरह हम नहीं। तो मेरी सारी टीवी की नॉलेज ब्रश अप हो गई है, वो भी लोग वापस आके टीवी चालू किया था, यकीन नहीं होता। क्या हम जीत गए कैसे, किसने जीता दिया भाई? जब मैं भूल गया था पिछला सब मुझे याद आ गया है। बेस्ट मोमेंट है लाइफ को, 6 छक्के। कोई सब्जेक्ट तो ठीक होगा तेरा। मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री। किसके साथ? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन खिलाड़ी बाय जेन्युइन बंदे। हम आ गए फिर से इधर उधर की बातें करने और थोड़ी सी बातें बैट और बॉल पे करने। अच्छा, जो गेम हम बाद में खेलते हैं ना, हमेशा गेम में खेलते हैं, वो आज मैं तैसा स्टार्टिंग में खेलना। अच्छा, वो क्यू जो गेस्ट कराते हैं हम लोग। yes. तो तुम मुझसे गेस्ट कराओगे? हाँ, लेकिन क्रिकेटर नहीं, और गेस्ट। गेस्ट को गेस्ट करना है? हाँ। बता भाई नाम बता, मैं गेस्ट कर देता हूँ। तू किसी पार्टी में गया है? ठीक है, फिर कौन सा पार्टी भाई? हाँ, पार्टी गया है चिल करने के लिए, वहाँ तेरा बहुत अच्छा मूड है। हाँ। तूने कर लिया थोड़ा बहुत, अब तू क्या बोलेगा? जानता है मेरा बाप कौन है? लड़ाई का माहौल नहीं है भाई, मजे का माहौल। ओके, मैं बोलूंगा कि दिल्ली से हूँ मैं। चावाश। हाँ, यही है अपने गेस्ट भाई। गेस्ट को गाली क्यों दे? अबे उनका बहुत हिट शो रहा है ये सिंगल दिल्ली से हूँ। और भाई हमारे साथ हैं निशांत भाई। निशांत भाई कैसा लग रहा है आपको इतना गंदा? बहुत बढ़िया। इतना कंट्रोल किया मैंने कि दोनों गेस्ट गेस्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, मैं सामने बैठा हूँ, सेम फ्रेम में काट के दिखाना एडिटर कि ये बैठे इधर और ये गेस्ट कर रहे कि कौन है गेस्ट। इतना कंट्रोल किया मैंने। और शो का नाम है दोस्तों दिल्ली से हूँ भाई साहब। चेंज हो गया वो? नहीं, पब्लिकली ऐसे बोलते हैं, ओ, ताकि बीप ना करना पड़े भाई। ऐसे तो नहीं बैठा। तो निशांत भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेलकम टू द शो फर्स्ट। थैंक यू। पहला सवाल ये कि कहते हैं कि कमर जितनी पतली हो मजा उतना नशीला है, तो क्या लगता है आपको, सही बात है? कमर जितनी पतली हो मजा उतना नशीला है। उतना नशीला है कि देख भाई, कमर तो तेरी पतली है, मेरी तो नहीं है। तो क्या लगता है आपको, सही बात है? लग तो रहा है। नहीं, वैसे एक्सपीरियंस से बताइए ना कुछ, आपने किया एक्सपीरियंस कुछ ऐसा? नहीं, है नहीं, किस्मत में पतली कमर आई नहीं कभी। कभी नहीं आई? नहीं। कहाँ से आया वो कीड़ा? कीड़ा? बस ऐसे ही। मतलब किसने बोला वो फेमस होने? जैसे मैं बताता हूँ, हाँ। मैं जब 6th क्लास में था, हाँ। तो मेरा एक दोस्त था कोई, हाँ। मुझे याद नहीं कौन था वो, तो हाँ। वो भाई वो पीटी का पीरियड होता था, तो बच्चे बास्केटबॉल खेलते थे, तो वो मेरे साइड में आके पता क्या बोलता था कि भाई बहुत पैसा है, पता दुनिया में इतना पैसा लोग कमाते हैं, पत्र को पता है इतनी सैलरी होती है करोड़ करोड़। तो वहां से मेरे को लगता था कि अच्छा ऐसा कुछ है। तो आपको कहीं से कुछ MLM वाला था क्या वो? भाई MLM वाले भी थे बहुत सारे दोस्त। एक तो ऐसा था वो टीचर को ही क्लाइंट बना दिया उसने। अच्छा। और भाग गया जिसके पैसे लेके, ट्यूशन ना आए फिर। तो ऐसा कुछ नहीं, तो मेरे को क्या था कि मैं अकेला सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं घर में भाई बहन नहीं, मैं अकेला हूँ, तो घर पे बहुत अटेंशन मिलता था। और उसकी मुझे इतनी बुरी आदत लग गई, घर पे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते मेरे को हमेशा, ऐसे रेड कारपेट एकदम, और बाहर जाते लोग फिर ऐसे नॉर्मल ट्रीट करते, नॉर्मी सा। मैं इसका कुछ करना पड़ेगा, इनको कैसे घर वाला बनाऊं मैं कि ये भी वैसे ही करे। तो मुझे लगता है सबकॉन्शियसली ये मुझे बहुत अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि ओ भाई साहब, तो बचपन से कीड़ा था कि लोग अरे जैसे घर वाले ट्रीट करे वैसे बाहर भी करे। तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कहीं था कि फेमस होना है कि लोग जाने, ऐसे थोड़ा सा ऐसे वट होना चाहिए, मतलब ये नहीं नॉर्मल वाला। और जैसे एयरपोर्ट पे या कहीं रैंडमली क्रिकेटर्स मिलते हैं और वो सामने से पहचानते हैं आपको, दिमाग ही फट जाता है भाई, क्योंकि अंदर से मेरा ऐसा मैं कंट्रोल कर रहा था कि भाई तुम्हें कोई आइडिया नहीं मैं कितना बड़ा फैन हूँ। अब उनके चिल करते तो ऐसा लगता है कि हाँ नहीं नहीं नॉर्मल ही यार, कोई नहीं। कौन कौन से क्रिकेटर मिले ऐसे आपको जिन्होंने आके खुद से बोला आपको? श्रेयस अय्यर, मोहम्मद कैफ रिसेंटली, फिर वेंकटेश अय्यर। तो मेरे को वेंकटेश अय्यर ने जब पहचाना तो मेरा ऐसा हो गया था कि भाई तुझे आइडिया नहीं मैं कितना, और वो उसने बोला कि अरे भैया आप यहाँ कैसे, मैं भाई। बहुत अच्छा इंसान है, तब से जैसे कनेक्ट होने के बाद इंस्टाग्राम पे बातचीत होने लगती है। तो वो श्रेयस अय्यर के साथ तो 2 घंटे की फ्लाइट थी, हम साथ में ही बैठे, क्योंकि भी वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो वो बैठ नहीं सकता, बहुत 15-20 मिनट ज़्यादा बैठ नहीं सकता। तुम बैठ के जूतों की शॉपिंग करके, मैं बैंगलोर से सेम फ्लाइट में रहता, तो मेरे जूते उते खोल के देख रहे हैं हम, ये सब इतना इस लेवल का, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल भी नहीं सकता जो वैसी बातें। ऐसे एकदम खुल गए थे। तो ये जो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इस पर आपका क्या टेक? वो एक्शन करके दिखाओ आज इसको। भाई तो कौन सी कोर्ट्स की बुक, कौन सी तेरे को कहाँ से अपनी स्कूल की कोई कोर्ट्स की बुक मिल गई कि आज तो यही पूछ के मार डालूंगा मैं फेसबुक पे। आज इसने पापा के व्हाट्सएप वाला को खोल लिया। हाँ। आज पापा वाले सवाल करूंगा। गुड मॉर्निंग, एक्शन स्पीक्स लाउडर इन वर्ड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो फैमिली आपके लिए कितनी जरूरी है भाई?
एक्शन स्पीक्स वाला, वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाला सीन है. क्रिकेट की अगर बात करते हैं अपन, तो डिपेंड करता है, जैसे अपने विराट कोहली है जो, वो उसने था कि उसने वेट किया, वो जो मैच हुआ था फेमस मैच, पहले मैच, नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं भाई, ये अभी ये अपने इंटरनल की बात, अच्छा, पहले मैच हुआ था एक बैंगलोर में जिसमें किसी ने एक्शन कर दिया था. भाई साहब बंदा देख रहा दबा के बैठा कि रुक जा. जब हमारा मैच होगा लखनऊ में, उसने पहली बॉल से करना पहले, भाई साहब क्या ही. तो एक्शन आई थिंक डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आपने बैट पकड़ा हुआ है हाथ में, तो आप उससे, मुझे याद आया अगला क्वेश्चन कि क्रिकेट पे आपका क्या रुझान है, बचपन से क्या सा रुझान था. क्रिकेट तो वो मेरे को ऐसा लगता है हिंदुस्तान में हर एक लौंडे का सपना होता है एक बार तो क्रिकेटर बनने का, एक बार तो सोचा होता है, कभी पूरा होना वो अलग बात है. तो आप कहना चाहते हो कि लड़कियां क्रिकेटर नहीं बन सकती ना? नहीं, उनका वो सपने देख नहीं सकती है ना. मैं जानता नहीं इसको. आप तो आपने ये क्यों निकाला, मैं लौंडा हूं तो मुझे लौंडों का पता है ना. अच्छा, तो से इतना इंटरेक्शन रहा नहीं भाई तुम्हारी तरह. हम आपका इंटरेक्शन नहीं रहा, मैं जारा के जूते हमारे पास थोड़ी. आपने कहा कि मैंने पूछा गर्लफ्रेंड, आपने कहा कौन से वाली, तो आपका इंटरेक्शन नहीं रहा. उनमें से किसी को नहीं क्रिकेटर बनना था ये तो बता सकता हूँ. तो नहीं, मैं भाई साहब फीमेल क्रिकेट भी पूरा फॉलो वॉलो करता हूँ. झूलन गोस्वामी आप, लास्ट मतलब आप कहना चाहते हैं कि फीमेल क्रिकेट आप पूरा फॉलो करते हैं लेकिन मेंस क्रिकेट आप थोड़ा बहुत करते. हाँ हाँ ठीक है, विद ऑब्वियस रीजंस. क्रिकेटर नहीं, क्रिकेट को बोला मैंने, क्रिकेट फॉलो करता हूँ. ठीक है, तो बचपन में कैसे शुरुआत की आपने? जैसे करते भाई सब की देखना, लोगों को देखना शुरू किया, लकड़े का एक फट्टा ले लिया जिसपे काले कलर की वो टायर की ग्रिप सी चढ़ती थी वो वाला बैट, और टेनिस बॉल से दे देना दन शुरू. और ओपनिंग बैट्समैन. आपने कभी थपकी से खेला है? थपके से, थपकी जो शुरुआत तो थपकी से हुई होगी, कपड़े वाली. नहीं नहीं, थपकी होती है. घर में वॉशिंग मशीन आ गई थी. ओके, नहीं पाया. ओके, बैलेंस कर रहे हो पूरा, हम्बल भी और एरोगेंट भी. नहीं नहीं, ये सपना अधूरा ही रह गया. मतलब मैं चाहता था कि मम्मी कपड़े उससे धोए ताकि मैं क्रिकेट खेल सकूं उससे. पर और वो लकड़ी वाला से तो वो तो बॉल लगने पे झनझन आ जाता है पूरा हाथ ही उससे. नहीं, टेनिस बॉल में नहीं झनझन आता, एक रबड़ की बॉल आती थी उससे जो टूट भी जाती थी बहुत जल्दी, उससे झनझन आता. टेनिस बॉल से तो दे दो भाई साहब. तो हाँ, तो ओपनिंग बैट्समैन ये वाला सीन था अपना कि ओपनिंग बैट्समैन करूंगा और ऐसी जगह खड़ा होऊंगा जहां सबसे कम भागना पड़े, तो विकेट कीपिंग या स्लिप में खड़ा होऊंगा. तो बोले पीछे का रन नहीं थे तो भी स्लिप में खड़ा होता था मैं. वो ये भी तो होता है ना, पीछे खड़ा होने वाला जैसे वो होता है ना बैटिंग का, वो रखते हैं 1 2 3 4 हाँ, तो जिसकी बैटिंग आने वाली होती है वो कीपर बन जाता है. हाँ, ये वो है जो अनरिटन रूल है. अनरिटन रूल है कि भाई साहब जैसे आउट हुआ भाग के बैट पकड़ लिया, फटाक से पीछे आ गया. तो निशान भाई, तीन आप तीन अपने फेवरेट मेल क्रिकेटर्स का नाम बताइए. तीन, एक तो भाई विराट कोहली मुझे बहुत पसंद है. लास्टली मैं करंट एरा के और एक जो ऑल टाइम आपके रहे, सचिन तो देख भाई है ऑल टाइम, गॉड ऑल टाइम, बचपन से देखा है. जब हम क्रिकेट में डोमिनेट नहीं करते थे तब से वो बंदा अकेला खड़े होके मैच जीता था. उसने ये कर दिया था कि भाई सचिन आउट, टीवी बंद, सचिन आउट, टीवी बंद. दस एक साल तो लगभग ये रहा है. और नेटवर्क सीरीज में जब तक मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने मैच नहीं जिताया था वो भी लोग वापस आके टीवी चालू किया था. यकीन नहीं होता क्या हम जीत गए, कैसे किसने जिता दिया भाई. तो सचिन इसलिए क्योंकि पूरा उसको देखा अकेले खेलते हुए, एक उम्मीद पूरे देश की उम्मीद अकेला वो. विराट कोहली अब क्योंकि मुझे पसंद है वो, जैसा भी है फील्ड पे मुझे पसंद है. लेजेंड था ही, मतलब गेम तो है ही अच्छा. पर मुझे ऐसा नहीं कि हमेशा हम ही क्यों स्लेज जो लोगों से भाई है, हम क्यों दबे रहे हैं. ये तो विराट ने चेंज कर ही दिया है कि अभी हम भी चढ़ के जाएं. हमारा अंदर का गुलाम कब मरेगा, हम क्यों गोरे लोगों से स्लेज करते हैं. वो एक टाइम पे करते थे डोमिनेट, अब हम करते हैं ना. हाँ, अब हम करते हैं. और तीसरा युवराज सिंह. ओ युवराज सिंह मेरा क्रिकेटिंग बेस्ट मूवमेंट है लाइफ को, 6 छक्के. मेरा भी, मैं तो अभी भी देख लेता हूँ कभी भी जाके. भाई साहब ऐसे मैच चल रहा है चुपचाप से और फ्लिंट ऑफ ना के की उंगली. तब तक सही चल रहा था और उंगली की उसने बिचा पिट गया स्टुअर्ट ब्रॉड. निशांत भाई, अगला हमारा सेगमेंट है कि आईपीएल राउंड अप ऑफ द वीक, कि आईपीएल में पिछले हफ्ते क्या 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 हुआ है, क्या क्या मजा आया है. बिल्कुल. तो जैसे दिल्ली पहली टीम जो ऑफिशियली आउट हो गई है, तो पार्टी का. और ये मैं बता दूं, दिल्ली शायद दिल्ली का तीसरा या चौथा सीजन है कि वो सबसे पहले बाहर हुई है. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लैरिटी है कि हाँ, देखो या तो कब जीतो जी, और नहीं जीत रहे तो टाइम क्यों खराब करो. सीधी सी बात है, चलो फिर काम वाम करो अपना लगो. और वो अभी है कि अब जो प्लेयर्स जिनकी टीम बाहर होती रहेगी ना सबको इंग्लैंड भेजते रहेंगे. अच्छा, वो जाओ जाओ वहाँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो. मैं तो चाहता हूँ जो प्लेइंग 11 है हमारा पहले ही निकल के वहाँ पहुँच जाए. मैं तो चाहता हूँ कि जितने कम इंडियन प्लेयर खेले भाई साहब, कोई चौका बचाते हुए इंजर्ड हो रहा है, कोई कैच पकड़ते हुए इंजर्ड हो रहा है, आधे प्लेयर तो वैसे ही कम हो गए फाइनल से. तो ऐसा अच्छा ना कि ये बोला है शायद बीसीसीआई ने बोला है कि इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्या इंजरी मत करो अपने आप. हाँ, अगर प्लेयर को जरूरी नहीं है, आपको हल्का मैच लग रहा है तो मत खेलो, मेन प्लेयर को रेस्ट दे दो, किसी और को ट्राई करो. तो इसमें तुम सामने वाली टीम को जज कर रहे हो कि ये तो हल्का ही है.
और जिसको जो खेल रहा है ये जीतेंगे हमसे ये और जिसको चांस मिल रहा है वो टेंशन में मैं हल्का हूं शायद इसलिए मुझे खिला रहे हैं लोग समझ रहा है जो नहीं खेल रहा वो भी नहीं खुश जो खेलने को मिल रहा है उसको भी निशान भाई ये जो इस साल अनकैप्ड प्लेयर्स है दोस्तों हमने बीच में ब्रेक लिया जिसमें 5 मिनट सही हमको समझाया गया अनकैप्ड प्लेयर्स वो नहीं होते जो टोपी नहीं पहनते अनकैप्ड प्लेयर्स वो होते हैं जिन्होंने अभी तक नेशनल नहीं खेला पर वो डोमेस्टिक खेलते हैं भाई मेरे को अभी तक ये लग रहा था अनकैप्ड वो जो अभी तक जिन्होंने टोपी नहीं पहनते थे तो ये समझाया था और एकदम सही हमने ऐसे रट्टा मार के रखा जैसे ही रोल हुआ तो भाई वो जो अनकैप्ड प्लेयर सही बोला तो तेरे दिमाग में ये था कि जो टोपी नहीं पहन रहे वो सेंचुरी बहुत मार रहे हैं क्या है आप इस सुपरस्टिशन में मानते हो तो अनकैप प्लेयर्स है इस बार वो बहुत सही खेल रहे हैं जैसे कि मैं बता दूं जैसे मेरे को नाम याद है जैसे प्रभ सिमरन हो गया कौन सी टीम से प्रभ सिमरन पंजाब अरे सही सब याद है प्रभ भाई इतना तो और बताओ एक और बताओ एक और बताओ जीके नहीं तो कॉमन सेंस ही सही एक और बताओ यशस्वी जायसवाल कौन सी टीम मैं गेस्ट के जवाब देता हूं बस कौन सी टीम हाँ तो जैसे जायसवाल इस बार बहुत अच्छा खेल रहा है और प्रभ सिमरन तो है ही और मेरे ख्याल से बॉलर में कौन है जो बहुत सही मचा रहा है हरभजन सिंह नहीं अनकैप रिटायर्ड नहीं अनकैप का अनकैप का मतलब वो नहीं होता अनकैप भी तो वही हो गए जब नहीं खेल रहे अनकैप पग नहीं फिर क्या होता आगे मैं मतलब ऐसा होगा हम बारी बारी खेलेंगे मैं एक नाम इसको स्लेट पे लिख के दिखाऊंगा ठीक है वो किसी भी खेल से जुड़े खिलाड़ी का या कमेंटेटर का या कोच का क्रिकेट से जुड़े क्रिकेट से जुड़ा हुआ इंसान होगा उसका नाम होगा ये आपको नाम गैस कराएगा लाइक इट्स मोर लाइक अ डम शराज ओके वो स्कोर से उससे रिकॉर्ड से बता सकता है कि मान लो मैंने इसको युवराज सिंह लिख के दिया तो बताएगा उसने कि 6 छक्के लगा चुका है बाद में तो आपको तो क्या नहीं बता सकते उसमें हिंट में क्या नहीं बोलते नाम बता नाम को छोड़ के सब मतलब नाम और बहुत ही जैसे कॉमन हो कि हम बता दें जैसे मान लो कुणाल पांड्या उसका भाई हार्दिक पांड्या है ऐसे नहीं बता सकते अगर ये बोल सकते दो भाई है जो आईपीएल में खेलते हैं चलो मजेदार बनाएंगे इसको हो जाए निशान भाई नाम मेरे पास आज मैंने लिख बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल नाम लिख चुके हैं वो नाम आप इनको बताओगे ये मुझे हिंट देंगे हाँ। और मुझे गैस करना है यही है ना और आगे जाने से पहले आप क्या कर रहे हो भाई आप इनको बताओगे तो आपको पता होगा ना नेम नहीं 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 ये हिंट देंगे आप आगे बंद करो ना अच्छा ऐसे क्या दिखाना ही तो है नाम हम भी दिखाएंगे दुखी मत हो यार आप एक मिनट की बात सबको नाम देखना ये देखो भाई दिखा दो मेरे भाई ठीक है चलो दोस्तों पर आगे जाने से पहले मैं जानूंगा मेरे जूते डिस्कस हो गए इनके जूते डिस्कस हो गए यार ये क्या कूल जूते पहन के बैठा भाई साहब ये देखो इसने पूरा एकदम कैरिकेचर और क्या क्या भाई आपने ये कहाँ मिलते हैं फर्स्ट कॉपी है भाई मैं बनवाता हाँ नहीं ये सफेद जूते लेके स्केच पेन पैकेट एक आर्टिस्ट रीलर की जिंदगी है भाई ये कुछ एक रील बनाई दिन में उसके बाद क्या क्या करना पेंटिंग करना है कभी किसी की दीवार कभी किसी की रसोई कभी घर में जाकर पेंट कराता है ये पेंटर लग गया है अभी चलो भाई बताओ हाँ चलो ठीक है तो एक सेकंड दो मुझे हाँ आराम से 10 सेकंड भाई टाइम कहाँ कमी परेशान क्यों हो रहे हो इसने एक वर्ल्ड कप खेला है भाई ओह लास्ट वर्ल्ड कप खेला है इंडियन प्लेयर है और लास्ट वर्ल्ड कप अभी जो हुआ था 19 वाला वो खेला है ओके खेला और बड़ा मतलब ऐसा हुआ था बड़े हल्ले के साथ इसे लेकर गए थे और वहां जाके इसने हक दिया था शंकर विजय शंकर है क्या नाम है और ऐसा ही एक इन्हीं की जमात के थे ये तो 2-3 प्लेयर सिलेक्ट हो गए थे और वहां पहुंच गए थे क्या बातें हो रही हैं यार मेन तो ये था मुरली विजय नहीं क्या नाम उसका विजय शंकर है क्या नाम था ये तो था इसके यही तो है एक और था एक दो और गए और किसने हगा था सोचो क्या वो पेड़ है आसमान से और एक दो हिंट दे बॉलर है हाँ बॉलर है और मोहित आईपीएल अभी भी खेल रहा है मोहित तो नहीं है मोहित वो तो फिल्म मोहित तो चौहान है आईपीएल अभी भी खेल रहा है और इस बार आईपीएल में अच्छी बॉलिंग कर रहा है लेकिन हक दिया था वो आईपीएल में पिछली बार भी अच्छी बॉलिंग करके गया था लेकिन टीम में जाके हक दिया था इसने अरे नहीं वो तो नहीं खेला था एक सेकंड इस बार अच्छी बॉलिंग कर रहा है इस बार अच्छी कर रहा है फिर से पेसर है नहीं स्पिनर हाँ चहर चलो ठीक है ये नहीं चहर तो चहल नहीं चहर ना राहुल चहर नहीं वो उसको ले गए थे पर उसको शायद खिलाया अमित मिश्रा पीयूष चावला इनमें से कौन आपके अरे वरुण चक्रवर्ती हां सही को तरीका है यार भाई यार नॉलेज होता है ऐसा इजी आता है इतना इजी नेम दिया है मैंने दिया है ना इतना इजी क्यों दिया है अरे यार तुझे क्या शक था हमने सैयद को बोल दिया था ये ना ये कमेंटेटर है मान भी गया था ये नहीं नहीं मेरे को मालूम है मैं रिलेट कर रहा था सारी बातें तो ये किस लिए इसका पता है किस नाम से एक सेकंड किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है बताओ
मिस्ट्री स्पिनर मिस्ट्री लेकर गया था और मिस्ट्री लेके वापस आ गया, किसी को दिखाई नहीं इसने कि इसको आता क्या है। मतलब मिस्ट्री स्पिनर वो होता है कि पता नहीं कि भाई साहब बॉल कहाँ निकल जाएगी, जैसे लेग स्पिनर का पता होता है ज्यादातर लेग आएगी, एक आधी गुगली आएगी, इसके हाथ के एक्सेंट से आप गैस नहीं कर सकते कि बॉल कहाँ जाएगी, इसलिए मिस्ट्री स्पिनर दोस्तों एक इन्फॉर्मेटिव जी होना चाहिए, ऐसे हा ही वो नहीं सब ऐसे एनलाइटमेंट भी होना चाहिए। अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यही यही है, मैं तो बोला कोच लगा लो इसको, ठीक है सही है भाई रेडियो, मैंने एक बढ़िया नाम लिख दिया, आप तो पहचानते हो बहुत ईजी लिखा है तो ठीक है, आप निशान भाई आप आगे बंद कर लो, मुझे नहीं पता इसको दिखा दे, ये उसके मजे ले रहा है मेरे मजे ले रहा है। अरे इसको तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा भाई, ठीक है जी ठीक है भाई, ठीक है जी सही भाई, प्रोनाउंस करना करना भी नहीं है। निशान भाई दो वर्ड का है, हिंदी इंग्लिश मतलब इंडियन प्लेयर नहीं है, नहीं इंडियन नहीं है ना भाई लग रहा है इनसे नाम से। देखो अगर अगर पढ़ने में कंफ्यूजन है तो एक ही इंसान है, वो क्या नाम है उसका, स्टुअर्ट बिनी, वही कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो इंडिया नहीं उस बाकी तो सब इंडिया नहीं सुनने में। अब सुनो आप, हाँ कौन सी टीम का यहाँ से सुनकर, ऑस्ट्रेलिया की डिटेलिंग में जाएंगे हम ऊपर ऊपर से बातें करें, ये मैं बता मैं दे देता हूँ, हाँ वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, हाँ रिटायर्ड है, रिटायर्ड है, मैं छोड़ दूँ फिर गेम खेलना, अब आप बता दो ये आप बता कहाँ पाते हैं, इतना आप पहुँचे वहाँ तक ना, रिटायर्ड है, आप सोचते रहो कौन वेस्ट इंडीज का है, तो बैट्समैन है बॉलर है स्कूल की याद आ गई ना, है ना मैडम से पूछती थी खड़े होके किसका आंसर दो, और मैं ना चार पांच मिनट निकाल जाता था, क्या था इधर तक आ गया, यहाँ से नहीं निकल रहा। देखो स्मोकिंग करते हैं जैसे लोग, हम तो नहीं करते, ठीक है, क्या क्या होती है स्मोक करने के लिए, बड़े लोग क्या स्मोक करते हैं, सिगार, इसको अभी पकड़ रहो ठीक है, और हमें किसी को ओके ठीक है और सिगार पी रहे हैं हम लोग दोस्त लोग, तो मैंने तो पी रहा है पिए जा रहा हूँ, आप खड़े हो भाई आप क्या बोलोगे, मुझे भी दे, तो क्या बोलोगे पास, नहीं नहीं क्या बोलोगे आप, सिगार दे मुझे भी, आप जैसे मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, मुझे सिगार दो, आप काटो उसको सिगार दो, बस इसको ध्यान रखो आप, अब इसको करते रहो कुछ ना कुछ सिगार दो इसको कुछ ना कुछ, ठीक है ओके 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 सिगार दो को काटो सिगार दो आर दो इतना रखो ठीक है, गार दो आर दो आर दो ठीक, अब पहले का केस कराता हूँ, ये पहला नाम जो हम ब्रेक कर रहे हैं रिकार्डो पावल, मैं तो भाई ऐसा ही है मेरा सीन ना थोड़ा सा नाम ऐसे इसलिए केस करा देता हूँ भाई साहब, रिकार्डो पावल जिनको नहीं पता बहुत कम टाइम के लिए वेस्ट इंडीज के लिए खेला था, और उसमें भी इसने एक मैच इंडिया को धो दिया था, सिंगल हैंडेडली तोड़ तोड़ के हरा दिया था, इसलिए भाई साहब ये नाम तो नहीं भूल सकता मैं। तो दोस्तों मैं ही होस्ट हूँ मैं ही गेस्ट हूँ अगला सवाल मुझे देना है, जो मैं नाम दूंगा प्लेयर का और ये राजेश हिंट देगा और गेस कौन करेगा, ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली सैयम मैन ऑफ द आवर, तो मैं अब अगला नाम जो देने जा रहा हूँ भाई बैठो ना, कहाँ जा रहे हो, जो मैंने पहले से लिख लिया पर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ लिखने की ओह लिख लिया हाँ देखना मत मैं भाई मैं मुझे लग रहा है ये नाम तो देखेगा तो भी नहीं बता पाएगा कौन है, तो ये नाम है दोस्तों है ना, ये हम नाम दिखा क्या मुझे नहीं दोस्त मानते आप, मुझे नहीं दिखाओगे है ना, तो हो जाए शुरू, हाँ खोलो भाई अपने आंखों से पढ़ना, मैं आपको कितनी बार बोलूं मैं नहीं बंद करता, मैंने बोल दिया एकदम पढ़ना, चलो बताओ बहुत अच्छा प्लेयर है सैयम भाई, ठीक है सचिन सही जवाब यार, सैयम को कौन बोल रहा था क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, सैयम को कौन था भाई, हां एकदम सही जवाब भाई, आप वहां चेंज कर दो तो जो आपने नाम लिया है ना, हाँ पहला उसका नाम की शुरुआत तो उसी अल्फाबेट से, उसका बेटा है क्या शुभमन गिल, दामाद कहते हैं उसे वो भी नहीं है ठीक है मीम्स में है। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी हिंट दूं साथ में, आप दो दे दो यार, क्या हो गया इंटरेस्टिंग आ रही हो तो है ना, क्योंकि क्रिकेट की नॉलेज आपकी इतनी जबरदस्त है तो बहुत आसान हो जाएगा अगर क्रिकेट का हिंट दें आपको तो कर ही लोगे, निशान भाई आसान नहीं था मेरे लिए पर बहुत मेहनत, और तो सबको दिखा वो बात तो कहीं छुपी है, आसान नहीं था पर मैं मुझे दोस्तों इस पॉडकास्ट के एडिट पे मैं बैठूंगा जो बेस्ट हिंट है मुझे फर्स्ट हाँ। नेम का वो एक एक्टर है जिनका निकनेम भी है इनका फर्स्ट नेम, एक सेकंड आ रहा और एक्टर भी ऐसा नया पुराना, ओ ओ कैसे अरशद वारसी संजय दत्त निकनेम निकनेम मुन्ना
नहीं यार, संजय दत्त का निकनेम, यस। तो ये उनका पहला फर्स्ट नेम है। इस पॉइंट पे अब एक अगर प्लेयर है भाई, संजू रेमन, कोई छह महीने का बच्चा भी अगर क्रिकेट फॉलो करता तो बता देता कि संजू रेमन। हाँ वही कह रहा हूँ, संजू लेमन। घर के पास अगला केस क्या है, संजू मोदी नगर की शिकंजी। संजू क्या है, अरे बताओ तो सही, संजू आ रहा है मेरे को, संजू मित्तल। नहीं नहीं एक बात तो पता है कि संजू नाम का एक ही प्लेयर है। अरे मेरे को मालूम है, मेरे यहाँ है। हाँ, तो निकालना थोड़ा बाहर। विकेट कीपिंग करता है। हाँ, मैं, मेरे को मालूम है। तो ना बताए तो हम ना बताए ना हिंट दे कुछ है। ये इसका जो सेकंड नेम है, सरनेम है, उस नाम की एक कंपनी भी है जो इलेक्ट्रिकल संजू एमवे टीवी बनाती है, टीवी टीवी बनाती है, फोन भी आते थे संजू, अभी भी आते हैं संजू मोटोरोला। नहीं, और संजू सैमसंग, संजू सैमसंग। अरे भाई मेरे को बाद में बोल रहा हूँ, संजू सैमसंग ना, स्लो क्लैप्स। गोदोस्त का इसको एडिट में मैं तेज करा दूंगा। एडिट में गुड गुड है ना, गुड दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट। चलो भाई, चलो भाई, मजा आया आपको गेम खेल के? बहुत ज्यादा, हमें बहुत मजा आया। सही भाई, आपको मजा? अरे मुझे तो बहुत मजा आया भाई। इसने तो मेरी सारी क्रिकेट की नॉलेज ब्रश अप हो गई है। जो मैं भूल गया था पिछला, सब मुझे याद आ गया है। ये भाई साहब जो रीटेक में इन्होंने स्क्रिप्ट चुराई है, वो कर दिया। तो दो डायलॉग तेरे। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है इस हफ्ते के खिलाड़ी कॉन्टेस्ट के सवाल का। सही भाई, द क्वेश्चन ऑफ दिस वीक इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डक्स इन क्रिकेट। अगर आप पिछले कॉन्टेस्ट में नहीं जीते तो मायूस ना हो, इस क्वेश्चन का आंसर दे और आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। और अगर आप तब भी ना जीते तो दिल छोटा करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ और छोटा कर लीजिए लेकिन दिल मत छोटा कीजिए। बहुत ही घटिया जोक। दिल होता भी नहीं है सही। लेकिन भाई ऐसा है कि हमारा एक खिलाड़ी मेगा कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है, तो जो अगर इस जवाब दे रहे हैं और वो नहीं जीत पा रहे हैं हैम्पर, तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। उस खिलाड़ी मेगा कॉन्टेस्ट में और बड़े बड़े इनाम है। आईफोन 14 प्रो मैक्स। भाई साहब आईफोन 14 आई वॉचेस दे रहे हैं हम लोग। कैसे कैसे कहां पे अप्लाई करना है, कॉन्टेस्ट कहां खेलना है? ये बहुत इजी है, आप इसका आंसर कमेंट्स बुक में लिखते रहिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैं पिन कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में। लेकिन मायूस नहीं होना भाई, खेलते रहना है, खेलते रहना है, क्योंकि अगर आप असली खिलाड़ी हो ना khiladi.com पे खेलना। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप संयम की तरह असली खिलाड़ी हो तो khiladi.com पर खेलो। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप छोटे मोटे खिलाड़ी भी हो ना शांत भाई की तरह तो भी आप khiladi.com पे खेलो। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो दोस्तों मेरे पास लास्ट वीक के खिलाड़ी कॉन्टेस्ट के विनर का नाम आ चुका है और विनर का नाम है आपकी YouTube स्क्रीन पर। आज के खिलाड़ी कॉन्टेस्ट का विनर है कुशाग्र मित्तल। तो विनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप कमेंट करते हो, हर बार जवाब दे रहे हो, आप अभी तक नहीं जीत पाए हैं हम पर, तो दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक खिलाड़ी मेगा कॉन्टेस्ट भी चल रहा है और उसके इनाम तो और बढ़िया है, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आई वॉचेस, एयरपॉड्स। तो दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खिलाड़ी हो तो khiladi.com पर खेलो। तो निशांत भाई, इट्स अ रैप। या इट्स अ रैप। तो आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया, काफी मजा आया। कुछ ऐसा आपको ऐसा लगा कि आप नई ऊर्जा, नए लोगों के साथ बैठे हो, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, नई ऊर्जा, नए लोग, एकदम वैसा ही लगा कि जिनको मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे देखता था आज उनके सामने बैठ के एकदम। तो लेकिन सामने तो बैठे थे, हम तो साइड में बैठे हैं। हाँ नहीं, ये वाला सामने, अच्छा, मेरे सामने, ऐसे सामने मैं जब देख रहा हूँ। कोई सब्जेक्ट तो ठीक होगा तेरा? मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री किसके साथ? पहली बार आपसे मिले और इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बातें हुई, मजा आ गया एकदम से। और एक लास्ट सवाल मेरा ये कि ये जो कहते हैं जैसे बड़े लोग, बड़े बूढ़े लोग आज भी कहते हैं कि एन आई फॉर आई फॉर ब्लाइंड, आपका कहना है, और डी फॉर डी और एफ फॉर एफ, तो इस पे आपका क्या टेक है? या आई थिंक जी फॉर जी, के फॉर के। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज, सी यू सो मच। बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। 6 गेस्ट से बुलवा चुके हैं, हमारे 5,000 सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। तो आप पे प्रेशर है, प्यार से बोलना, प्यार से इंपैक्ट प्लेयर बनाया। दोस्तों
मुझे बोला गया कि अगर इनका कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर इनका क्या आप भी तो इसमें सुनो सुनो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ अच्छा ना भी लगे तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, पैसे थोड़ी लग रहे हैं तुम्हारे यहाँ, इतनी मेहनत करके आए भाई साहब, मैं कहीं से फ्लाइट लेकर आऊँ, ये घर से नहा धो के तैयार होके आए भाई साहब, क्या महंगे महंगे जूते पहन रखे, इतना सब एफर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्या ही जा रहा है तुम्हारा, है ना।